रायनू चिड़िया दुखी होकर रोए जा रही थी। मेरे पति टुन्नू जी अब पागल हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी सहेली लूसी कबूतरी वहां पर आई। रायनू, तुम यहां पर बैठकर क्या कर रही हो? वहां तुम्हारा पति ट्रेन के पटरियों पर बैठकर रोए जा रहा है। लूसी कबूतरी बताते ही रानू चिड़िया एक पल भी न गवाते हुए अपने पति के पास पहुंची। सुनो जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? चलिए घर चलते हैं। टुन्नू चिड़िया घर जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर चील आता है। रानू, मैं तुम्हारे पति का पागलपन ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगी? चील भाई, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा तो पैसे नहीं है, जो भी है आपको दे दूंगी। नहीं नहीं, पैसों का मैं क्या करूंगा? मुझे तुम्हारे दो बच्चों में से एक बच्चे को दे दो, मैं बच्चों का मांस खाना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। ये क्या बोल रहे हो चील भाई, ये मैं नहीं कर सकती। मैं तो क्या, दुनिया में हर कोई माँ ये नहीं कर सकती, अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। रानू, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चील भाई की बात मान लो, अगर तुम्हारा पति ठीक हो गया तो तुम और भी बच्चे दे सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे पति को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? कृपया तुम दोनों मुझे सोचने का थोड़ा सा समय दीजिए, पहले मेरे पति को घर ले जाने में मेरी मदद कीजिए। रानू के कहने पर चील ने उसके पति को बेहोशी की दवाई दी। उसके बाद उसके पति को घर ले जाया गया। मम्मा मम्मा, सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, हमें भूख लग रही है, हमें खाने के लिए कुछ दो ना माँ। बच्चों के कहने पर रानू उन दोनों को चावल खाने के लिए देती है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी दुविधा में फंस जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चील और लूसी कबूतरी रानू के घर आते हैं। रानू, तो तुमने क्या सोचा है? अगर तुम हाँ बोलोगी तो चील भाई तुम्हारे पति को 4 दिनों में ठीक कर देंगे, फिर तुम दोनों बच्चों में से एक बच्चे को चील भाई को खाने के लिए दे देना। यू लूसी बार बार कहने पर रानू के पास कुछ रास्ता नहीं था, वो मान जाती है। फिर चील ने टुन्नू का इलाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टुन्नू अब ठीक हो रहा था। रानू, 1 घंटे बाद तुम्हारा पति होश में आ जाएगा, अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, शर्त के मुताबिक तुमको मुझे एक बच्चा देना होगा। हाँ चील भाई, जरूर दूंगी। ये कहकर रानू अंदर जाकर देखती है तो उसके बच्चे उसको नजर नहीं आते हैं। चील भाई, मैंने सारा घर ढूंढ लिया है, मेरे बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ रानू, अपने बच्चों को बचाने के लिए नाटक कर रही हो? नहीं चील भाई, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप घर में देख लेना। लगता है तूने अपने बच्चों को कहीं छुपा कर रखा है, ये सब तूने अपने पति के लिए किया ना? अब मैं तेरे पति को यहाँ से ले जाकर रेल के पटरियों पे बांध दूंगा, जब तक तू अपने एक बच्चे को मुझे नहीं सौंपती तब तक मैं तुझे तेरे पति को नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो दुष्ट चील उसके पति को पंजों में पकड़कर रेल के पटरियों पर बांध देता है। बिचारी रानू चिड़िया भी रोते हुए चील के पीछे पीछे जाने लगी। चील भाई, कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ओ रानू, तुमने मेरा शर्त माना था, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को ठीक कर दिया, अब तूने तेरे बच्चों को कहीं छुपा कर रखा है। अगर तुम्हारे पति को जिंदा दिखना चाहती हो तो
तुम्हारे बच्चे मुझे ला कर दो। चील भाई, मेरे बात का यकीन मानो, मैंने अपने बच्चों को कहीं नहीं छुपाया है। इतने में तेजी से वहाँ पर ट्रेन आने लगी। रानू रो रो कर कह रही थी कि उसे सच में बच्चों के बारे में नहीं पता। इतने में कहीं से लूसी कबूतरी आकर लाल झंडा लहरा दिया, ट्रेन रुक जाती है। लूसी, तुमने ट्रेन क्यों रोका? तुम्हारी दोस्त अपने बात से मुकर रही थी। चील भाई, मैं ही बच्चों को दूर लेकर गई थी। तभी टुन्नु चिड़े को होश आता है, वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। रानू, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम सब ट्रेन के पटरियों पर क्यों हैं? टुन्नु भाई, आपके इलाज के लिए चील ने आपके बच्चों को मांगा था। रानू मान भी गई थी। आपको ठीक करने के लिए रानू अपने बच्चों को खोने के लिए तैयार थी। चील भाई, आप एक डॉक्टर हो, आपको पक्षियों की जान बचाना चाहिए, किसी की बलि नहीं लेनी चाहिए। आपको ये बात का एहसास होने के लिए मैंने नाटक किया कि मैं आपके साथ हूँ। लूसी कबूतरी की बातें सुनकर चील कुछ नहीं कहता है, वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी वहाँ पर कवी रानू के दोनों बच्चों को लेकर रानू के घर आती है। बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ, लूसी ने तुम्हारे बच्चों को मेरे पास छोड़ा था, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सभी खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। एक भी बताएगा। जंगल में कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। रानू चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी। पति जी, घर में बैठ बैठ के बोर हो रहा है, क्यों ना हम सब पक्षियाँ एक जगह इकट्ठा होके कुछ मजेदार बनाकर खाएं। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हूँ, मैं अभी चिड़िया को फोन लगाता हूँ, वो कुछ ना कुछ उपाय बताएगी। फिर कबूतर चिड़िया को फोन करता है। जी कबूतर भैया, बताइए इतनी ठंड में आप फोन क्यों कर रही हो? चिड़िया, लूसी और मैं घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई हैं। लूसी कह रही थी कि क्यों ना हम सब पक्षियाँ मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं और मजे से खाएं। कुछ खास? फिर तो गाजर का हलवा बनाते हैं। आप कहीं से गाजरें लेकर आना, मेरे पास घी है और मैं किसान की पत्नी के पास जाकर चीनी लेकर आऊंगी। हाँ चिड़िया, ये बात जाकर तुम गोरी और कालू को भी बता देना। चिड़िया अपनी बेटी छोटी से कहती है। छोटी बेटा, आप घर पर ही रहना, मैं गोरी को बता कर आती हूँ और उसके पास से कढ़ाई भी लेकर आती हूँ। माँ, क्या गोरी आंटी भी आएंगी? उनके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जब उसको गाजर का हलवे के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। चिड़िया गोरी कवि के दरवाजे पे दस्तक देती है। गोरी गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बर्फबारी हो रही है। गौरी कवि दरवाजा खोल देती है। क्या बात है चिड़िया, इतनी ठंड में मेरे घर क्यों आई हो? मेरे घर का दरवाजा तोड़ दोगी क्या? गौरी, तुम मुझे अपनी कढ़ाई दो और शाम में मेरे घर आ जाना। हम सब पक्षियाँ मिलकर मेरे घर में गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत मन कर रहा था कुछ नया खाने को,
चिड़िया आज तो बहुत मजा आने वाला है, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मीठा गाजर का हलवा। चिड़िया मीठा थोड़ा ज्यादा रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। गौरी अब मुझे जल्दी से कढ़ाई दो, ढेर सारा काम बाकी है। फिर गौरी कभी चिड़िया को कढ़ाई दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी तुम घर पर ही रहना, मैं जंगल में गाजरे ढूंढ कर ले आता हूँ। पति जी क्या चिड़िया के पास बाकी सब चीजें हैं? हाँ सब चीजें हैं चिड़िया के पास, वो इंसान के बस्ती में जाकर किसान की पत्नी से चीनी भी लेकर आने वाली है। फिर कबूतर ऊंची उड़ान उड़ता है, पूरे जंगल में गाजरे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। किसान की पत्नी जी हम सब पक्षियां मिलकर गाजर का हलवा बनाने वाले हैं और हमारे पास चीनी नहीं है, क्या आप थोड़ा सा चीनी हमें दे दोगी? अरे वाह चिड़िया रानी, इंसानों से अच्छे तो तुम सब पक्षियां हो जो सब काम मिलजुल कर इकट्ठा होकर करते हो। क्या बात है किसान की पत्नी जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? चिड़िया रानी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे दोनों लड़के मुझे छोड़कर शहर चले गए, यहाँ मैं अकेली रह गई हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। मैं भी अभी गाजर का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन मेरे साथ खाने के लिए कोई है ही नहीं। किसान की पत्नी जी आप चिंता मत करो, आपने मेरी कई दफा मदद की है, अब मेरी बारी है। लेकिन चिड़िया रानी तुम क्या करोगी? किसान की पत्नी जी मैं मेरे सारे पक्षी दोस्तों को यहाँ लेकर आऊंगी, फिर हम सब गाजर का हलवा बनाकर मजे से खाएंगे। क्या चिड़िया सच तुम्हारे दोस्त यहाँ आएंगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे, आप गाजर का हलवा बनाना तो शुरू कीजिए, मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से अपने जंगल वापस आ जाती है। किसान की पत्नी भी सारी चीजें जमा करके गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वो स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना लेती है। चिड़िया तुम इतनी देर तक कहाँ थी? मैंने तो सारा जंगल घूम लिया, मुझे कहीं से गाजर नजर नहीं आया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कबूतर भैया, आज हम जरूर गाजर का हलवा खाएंगे, वो भी किसान की पत्नी के पास जाकर। चिड़िया क्या तुम पागल हो गई हो, इंसानों के पास जाकर गाजर का हलवा खाओगी? अगर इंसान हमें मार देंगे तो तब क्या करोगी? गौरी किसान की पत्नी अच्छी और दयालु है, उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेले अपने घर में रह रही है और हमारे लिए अब गाजर का हलवा भी बना रही है। चिड़िया मुझे पता है किसान की पत्नी बहुत दयालु है, उसने मेरी कई दफा मदद की है, चलो हम सब वही चलते हैं। फिर सभी पक्षी खुशी से किसान की पत्नी के घर आते हैं। माँ जी ये देखिए मेरे सारे दोस्त यहाँ आने के लिए मान गए हैं। अरे वाह चिड़िया रानी तुम्हारे सारे दोस्त तो बहुत प्यारे हैं। और हाँ ये देखो मैंने गर्मा गर्म तुम सबके लिए गाजर का हलवा भी बना लिया है। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को गाजर का हलवा परोसती है। ठंड के मौसम में सब पक्षियाँ मजे मजे से गरम गरम गाजर का हलवा खाते हैं। माँ जी आपका गाजर का हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे तो मजा ही आ गया। तुम सबको मेरे हाथों का गाजर का हलवा अच्छा लगा, यही काफी है। उस रात सब पक्षियाँ किसान की पत्नी के घर में मीठी नींद सो जाते हैं।